नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर अंसारी फैमिली की काफी तारीफ करते नजर आए। आपको बता दें कि वो एक जनसभा में उन्होंने अफजाल अंसारी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर मैं विधायक बना तो अफजाल भाई की वजह से बना। उन्होंने कहा कि उनके कहने पर मुझे 20,000 वोट मिले। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को भले ही कोई डॉन कहता हो, लेकिन वो जेल मिलने उनसे गए। उनको ये कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी और भाजपा शिक्षा पर काम करते तो ज्यादा बेहतर रहता। आप तेलंगाना के बारे में गूगल कर लीजिए, वहां की शिक्षा नीति कितनी बेहतर आई। आपको बताते हैं और क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने। मऊ में ओपी राजभर की हुंकार, बोले मेरे विधायक बनने में अफजाल अंसारी की मुख्य भूमिका। ओम प्रकाश राजभर ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बसपा सपा तथा बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया, जहां तीनों पार्टियों पर शिक्षा नीति पर घेरते हुए कहा कि आप लोग गूगल बाबा से पूछ लो कि तेलंगाना शिक्षा नीति के बारे में जवाब मिलेगा कि जहां बीते कई वर्षों में सैकड़ों कॉलेज खुले लेकिन अपने यहां क्यों नहीं। बीएसपी की सरकार थी, सपा की सरकार थी, वर्तमान में बीजेपी की, लेकिन इस पर बात क्यों नहीं। मऊ के कोपागंज में शनिवार को सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं विधायक हूँ गाजीपुर के जहूराबाद से, अफजाल अंसारी के सहयोग से विधायक। जितना भी विरोध कर लो, मैं चाहे किसी भी पार्टी में जाऊं, लेकिन ये नहीं भूल सकता कि अफजाल भाई की एक आवाज से 20,000 वोट मिले थे। ये बात शनिवार की देर शाम कोपागंज में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बीएसपी सपा तथा बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया, जहां तीनों पार्टियों पर शिक्षा नीति को घेरते हुए कहा कि आप लोग गूगल बाबा से पूछ लो कि तेलंगाना शिक्षा नीति के बारे में जवाब मिलेगा कि जहां बीते कई वर्षों में सैकड़ों कॉलेज खुले लेकिन अपने यहां क्यों नहीं। बीएसपी की सरकार थी, सपा की सरकार थी, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, लेकिन इस पर बात क्यों नहीं। इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री जी हो या गृह मंत्री, हम किसी से नहीं डरते। कहा कि याद होगा कि मैं सरकार से अलग था, मुख्तार भाई जेल में थे, मैं सीना ठोक कर मिलने गया था। कोई कुछ भी कहे, दोस्ती है तो है। इस दौरान आखिर में अपने संबोधन में कहा कि अगर मैं मुसलमानों के घर पैदा हुआ होता तो आज मुख्यमंत्री होता। बोले कि सभी पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ अपना जागीर समझती रही हैं और इनके वोट से मलाई काटते रहे। अगर आप साथ दो तो आपके लिए कानून बनवा कर आपको सहूलियत दिलवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा।